गया चमके चोरी खन के लॉन्ग मारे लश। सो गाइस, इस प्रकार का न्यू मोटिव वीडियो बनाने के लिए आपको पहले सबसे पहले वीडियो कर लीजिए लाइक। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूं। सो गाइस, यहां पे वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बन रही, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर पाऊँ। चलते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं नाम पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं कुनाला जाला ट्यूटोरियल। सभी तरह एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ओपन करना होगा पिक्सल लैब के, और आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे दो एप्लीकेशन मतलब लेना पड़ेगा। इसका नाम है एक पिक्सल लैब और दूसरा का नाम है काइन मास्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पिक्सल लैब को फाइल ओपन करना होगा। फाइनली आप पिक्सल लैब का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसके बाद आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, तो आपको यहाँ से न्यू टेक्स्ट पे आपको फाइनली करना होगा क्लिक। देन क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फाइनली कर लेंगे क्लिक, और यहाँ से आपका जो भी नाम हो फाइनली यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से फाइनली ओके पे क्लिक करना होगा, और ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे फाइनली क्लिक करना होगा, इस पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको जाना होगा फॉन्ट पे। देन फॉन्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे माई फॉन्ट पे जब एक बार मैं बताया हूँ, तो गाइस कई लोग बोलते हैं यार कि माई फॉन्ट पे मैं कैसे क्या करूँ, तो गाइस हम माई फॉन्ट से नहीं बताने वाले, आपको हम यहाँ से अपने फॉन्ट जो आपके पिक्सल लैब में एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं उसी से बताने वाले, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन आ जाता है ये वाला, तो आपको इस वाले ऑप्शन को फाइनली करना होगा सिलेक्ट, यहाँ से ये वाला। यहाँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा मिल जाए, तो आप यहाँ वाला भी आप कर सकते हैं बोल्ड वाला। और इसके बाद यहाँ से आपको फाइनली इस प्रकार से जब आ जाएगा, तो आपको इधर की तरफ आपको स्लाइस करना होगा, और यहाँ से एक 3D टेक्स्ट दिख रहा होगा, इस पर आपको फाइनली करना होगा ओके। और ओके करने के बाद आपको इसे फाइनली कर देना होगा इनेबल। देन इनेबल करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइस करना होगा, और इसके बाद इसको कर देना होगा फुल। फुल करने के बाद फिर से आपको नीचे जाना होगा, और यहाँ से आपको कर देना होगा 300 पर रहने देना है फाइनली। और इसके बाद इसको फाइनली इस प्रकार से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे 3D रोटेट पे जाना होगा, और इसके बाद इसको फिर इस प्रकार से आपको कर लेना होगा रोटेट, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद फाइनली कर लेना होगा ओके पे क्लिक। देन ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा रिफ्लेक्शन देने के लिए, तो आपको रिफ्लेक्शन पे फाइनली क्लिक कीजिए जो कोने में आइकन है, और इसके बाद आपको फाइनली इसे कर देना होगा इनेबल। इनेबल करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, अब इसको कर देना होगा ओके। ओके करने के बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा, और यहाँ से आपको यहाँ पे शैडो देना होगा, तो शैडो देने के लिए आपको इस पर फाइनली करना होगा क्लिक। देन क्लिक करने के बाद इसको फाइनली करना होगा इनेबल। इनेबल करने के बाद इसे एक बार ध्यान रहे कि आप यहाँ पे जो कलर है व्हाइट कलर को सेलेक्ट करना होगा, और इसके बाद यहाँ से आप इसको फुल भी कर सकते हैं। और फुल करने के बाद आपको यहाँ से बस इस तरीके से आपको फाइनली कर देना होगा इसे इनेबल करने के बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको फाइनली हो गया है। होने के बाद यहाँ से ओके पर फाइनली कीजिए क्लिक। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको फाइनली करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको फाइनली करना होगा इनेबल। इनेबल करने के बाद इसे आपको यहाँ पे ब्लैक कलर को फाइनली करना होगा सेलेक्ट, और ऑटोमेटिक से यहाँ पे 4 पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आपको कर देना होगा ओके। ओके करने के बाद जो आपको यहाँ पे देना होगा ट्रांसपेरमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे आप ट्रांसपेरमेंट जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और आपका जो वीडियो है, आपका जो फॉन्ट है, यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से फाइनली सेव एज इमेज पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको फाइनली सेव टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है फाइनली सेव हो चुका है। अब चलते हैं फाइनली काइन मास्टर में, तो काइन मास्टर को फाइनली करना होगा ओपन। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे फाइनली क्लिक करना होगा। अगर काइन मास्टर में कोई भी बटर मार आता है, उसका लिंक आपको फाइनली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से उस वीडियो को देखकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पे 16.9 रेशो को फाइनली करना होगा सेलेक्ट। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा मीडिया पे। देन मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक वीडियो बैकग्राउंड दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ से वीडियो बैकग्राउंड को फाइनली करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे कि इस प्रकार से आता है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, और ये फालतू है जिसको हम डिलीट करते हैं। और इसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से आता है, तो अब इसके बाद आपको जाने को लेयर पे। देन लेयर पे जाने के बाद आपको जाने को मीडिया पे, और मीडिया पे जाने के बाद जो आप यहाँ पे फॉन्ट को सेलेक्ट किए थे, जो आप सेव किए थे, उसको आपको फाइनली यहाँ पे ले लेना होगा। और इसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से बड़े अक्षर में आपको फाइनली कर लेना होगा ऐड। ऐड करने के बाद आपको जाना होगा लेयर पे, और लेयर पे जाने के बाद जाना होगा मीडिया पे। देन इसके बाद एक आपको यहाँ पे ताज को सेट करना होगा। ताज को सेट करने के लिए आपको यहाँ से इस प्रकार से ताज आपको दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन इसके बाद इस प्रकार से अपने ताज को कर लेना होगा सेट, ठीक है। आपको इस प्रकार से ताज को कर लेना होगा सेट। गाइस एक बात ध्यान रहे, जो आपका टैक्स है यहाँ पे व्हाइट कलर है, तो गाइस एक बात मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, वहाँ पे यहाँ पे जो व्हाइट कलर है, तो इसको फाइनली कर देना होगा
ग्रीन कलर में, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना होगा, तो मैं उस टाइम बोलना भूल गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे कलर पे जाना होगा और यहाँ से फाइनली ऑटोमेटिक से यहाँ पे कर देना होगा क्या, ग्रीन कलर को सेलेक्ट, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को करता हूँ सेलेक्ट, इसके बाद डन ओके पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद फिर से जाता हूँ काइन मास्टर में और यहाँ पे मैं फाइनली चल गया हूँ। इसके बाद यहाँ से इसको हम कर लेते हैं डिलीट, और जो अभी ग्रीन कलर को सेलेक्ट किए थे उसको फाइनली यहाँ पे यहाँ से इसको आपको फाइनली ऐड कर लेना होगा। ऐड करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए एडजस्ट कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पे ताज है इसको अच्छे तरीके से आपको सेट कर लेना होगा, इसको फ्रंट करके, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा सेट। देन सेट करने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपका फ़ोन जो देखने में अच्छा लग रहा। अब इसके बाद इसको क्या करना होगा, अब जाना होगा लेयर पे, देन लेयर पे जाने के बाद जाना होगा मीडिया पे, और मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक कपल्स को फाइनली कर लेना होगा सेट। और यहाँ पे एक कपल्स का मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये बॉय एंड गर्ल का, और इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ अच्छे तरीके से एडजस्ट। आपका पूरा काम हो चुका है। अब इसमें इफेक्ट देने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसके बाद जितना फालतू का पार्ट है आप इसको इस पर क्लिक कीजिए और फाइनली यहाँ पे कैची बजाइए और यहाँ से फाइनली ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड फाइनली कर देना होगा। यहाँ से इधर का पार्ट जो पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जाना होगा शेयर वाले ऑप्शन पे, फाइनली इसको एक्सपोर्ट कर देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इफेक्ट देने के लिए बताऊँगा, जिसका लिंक आपको फाइनली वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें हम काफ़ी सारे इफेक्ट को ऐड कर दिए हैं, 4-5 वीडियो उसमें ऐड किए हैं छोटा छोटा पार्ट में, भाग में डिवाइड कर, तो देख लीजिए एक बार। इसके बाद आपको फिर से काट कर देना होगा और इसके बाद जाना होगा प्लस वाले आइकन पे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा 16:9 रेशियो। देन इसके बाद आपको यहाँ से उसी वाले कलर को सेलेक्ट करना होगा, जो कलर हम इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कलर हमारा है और इसको इसमें हमको आपको हम काफ़ी सारा चीज़ को ऐड करके दे दिया, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद जाना होगा लेयर पे, और लेयर पे जाने के बाद जो वीडियो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट किए थे उसको आपको फाइनली ले लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ले लिया हूँ। अब इसके बाद इस पे जाता हूँ और इसको फाइनली कर देना होगा फुल। फुल करने के बाद आपको इसी वाले लेयर पे टच करना होगा, टच करने के बाद जाना होगा क्रोमा की पे और इसे आपको फाइनली कर देना होगा इनेबल। इनेबल जैसे कीजिएगा तो आपके सामने आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनना चालू हो जाएगा, जो कि आपको वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वीडियो को एक बार हम चलाकर दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिससे आप हम देख रहे हैं। अब इसके बाद आपको सॉन्ग को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइनली ऑडियो पे क्लिक करके और यहाँ से आपको इस प्रकार से इस करने के बाद आप यहाँ से फाइनली पीजिएगा तो आपका फाइनली जो ऑडियो है सेट हो जाएगा। बट अगर आप ओरिजिनल ऑडियो को सेट करना चाहते हैं जिसके ये लाइक है, तो उसका लिंक आपको फाइनली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट गाइस वो टिकटॉक वाला है, तो गाइस वहाँ पर जा ही रहे तो यार मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरा न्यू आईडी है। देन इसके बाद आपको यहाँ से सारा काम हो चुका है। अगर आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको लेयर पे जाना होगा, लेयर पे जाने के बाद जाना होगा यहाँ पे ओवरले पे। देन इसके बाद आपको यहाँ से फोग वाला भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं ये से एक्स्ट्रा चीज़ को बता आपको एक्स्ट्रा चीज़ करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको इस प्रकार से कर लेना होगा सेट और यहाँ पे सेट फाइनली आपका हो चुका है। अब इसके बाद जाना होगा यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे, फाइनली इसको कर देना होगा एक्सपोर्ट। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हमारे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।